हेलो, आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि लाकी बेम्बो आप कटिंग से कैसे लगाइए। ये आपको मार्केट में बहुत दाम में बेचता है, ये लोग 600 रुपया 700 रुपया, लेकिन इसका प्राइस इतना नहीं है। तो आप ये घर पे ही लगाइए कटिंग से, एक ख़रीद के ले सकते हैं आप। 50 to 60 रुपीज़ में आपको एक मिलेगा, या फिर विलेज एरिया में तो इसका 20-30 रुपीज़ में भी मिलता है। तो आप एक ख़रीद के लाके अपने घर पर मल्टीप्लाई करते रहिए, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और सेडी एरिया में रखने का नहीं इसको। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा ये वाला बहुत ही अभी बड़ा हो गया है। हमने एक ही लाया था, लेकिन इससे से और एक आ गया पौधा। तो आप देखिए कि हम इसको काटिंग कैसे लगाते हैं। तो हम इससे बीच से इसको काट लेते हैं पहले। ये हमने एक काट लिया, तो इसको अभी लगाते हैं हम। तो जैसा कि आप देख पा रहे, हम ये वाला पॉट में इसको लगाने वाले हैं, लेकिन इसमें पहले हम थोड़ा सा फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ेगा। आप काउडंग यूज़ कीजिए, कर सकते हैं, क्योंकि बिना फर्टिलाइजर के ठीक से ग्रो नहीं होता है। पौधा बच तो जाता है, लेकिन मतलब जो ग्रोथ होना चाहिए वो फर्टिलाइजर एंड धूप में रखने से ही ज़्यादा होता है। हाँ, तो आप इंदौर रख सकते हैं। इंदौर रखने से क्या होता है कि ग्रोथ उतना नहीं होगा, लेकिन आप मतलब अगर ऐसा करोगे कि हफ्ते में एक दो बार आप बाहर लेके आओगे धूप में, फिर ऐसा कर सकते हो। क्योंकि जो आप लकी बेम्बू खरीदते हैं 600 रुपया में, अगर वो पूरा दिन घर के अंदर ही रहे तो पूरा हफ्ता, तो वो ज़्यादा दिन के लिए टिकेगा नहीं। 2-3 महीने तो ऐसे ही चल जाएगा, लेकिन उसके बाद ये मर जाएगा। तो हम पहले इसमें से थोड़ा फर्टिलाइजर यूज़ कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम थोड़ा सा इसमें सूखा हुआ गाय का गोबर लेके आया है, तो इसमें हम छिड़क देते हैं इसको। तो उसके बाद ये अंदर तक चला जाए इसके लिए ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके आपको ये डालना है अंदर, और ज़मीन को इस तरह से दे दीजिए ताकि हवा अंदर जा के ये इसका रूट को ग्रो होने के लिए बाधा मत दे। इसको आप पानी का बोतल में रख के भी इसका रूट ले आ ला सकते हैं। रूट हार्मोन देने से ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा, नहीं भी देने से भी कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेनेंस बहुत ही कम है इसका, लेकिन आप जितना अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाओगे उतना अच्छा लगेगा। क्योंकि ये पौधा का एक पौधा अच्छा नहीं लगता है, अगर साथ में 10-20 पौधा लगाओगे तभी अच्छा लगता है। तो इसलिए आप खरीद के पहले 2-3 महीना आप मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचिए, उसके बाद ही इसको आप ठीक से मतलब सजाइए, घर पे डेकोरेट कीजिए। तो ये हो गया। थैंक यू।